दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी दुकान में ग्राहकी बढ़ाना चाहती हैं, जिनकी दुकान पर कस्टमर नहीं आते। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, जिनका सामान नहीं बिकता, जिनकी सामानों की बहुत ज़्यादा कम बिक्री होती है, बिक्री कम होने की वजह से पैसों की तंगी होती है? और जैसे कि आजकल महंगाई का ज़माना है तो लोग इसमें अपने ज़रूरी खर्च भी पूरे नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे नियमों और कुछ दुकान के टोटकों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अपनाकर आप अपनी दुकान में बिक्री को बढ़ा सकते हैं और अपने व्यापार में सफलता पा सकते हैं। बस आपको हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक रहना है और साथ में आपको हमारे YouTube चैनल लवगुरु MK को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, एक अच्छी कमाऊ दुकान के लिए ज़रूरी है कि दुकान का वास्तु ठीक होना, दुकान चलाने वालों की दुकान में बैठने की दिशा। परंतु अक्सर दुकान के लिए वास्तु टिप्स कर लेने के बावजूद भी दुकान नहीं चलती। आज हम आपको कुछ दुकान पर ग्राहक बढ़ाने के उपाय बताएंगे जो कि व्यापार वृद्धि में मदद करेंगे। अगर आप भी ये व्यापार वृद्धि के उपाय करेंगे तो जरूर ही लक्ष्मी माँ की कृपा आपकी दुकान पर बनी रहेगी और आपकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगी। दोस्तों, अगर आप एक बार ये उपाय कर लेते हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको यह टोटका करना है, जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाएं या फिर नई दुकान शुरू करें, तब आप चांदी की एक कटोरी में धनिया डालें और उस पर गणेश जी को स्थापित करें। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति स्थापित करें। इस कटोरी को दुकान की पूर्व दिशा में स्थापित करें। ऐसा करने से आपको आपके नए काम में सफलता मिलेगी। दोस्तों, रोज़ सुबह शाम समय पर दुकान खोलें और भगवान के आगे अगरबत्ती जलाएं। दुकान में मिट्टी के 4 बर्तन रखें और उसमें तिल, जौ, पीली सरसों और साबुत हरे मूंग डालें। ये दुकान में किसी भी जगह रख दें। ऐसा करने से भी आपकी दुकान में आपको सफलता हासिल होगी। इन बर्तनों को 1 साल के बाद बहते पानी में विसर्जित कर दें। दोस्तों, ग्राहक बढ़ाने के टोटके में से ग्राहक आपकी दुकान की ओर आकर्षित होंगे और आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, इन टोटकों की मदद से बहुत से लोगों ने अपनी दुकान में ग्राहकों को बढ़ाया है, आप भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, दुकान में बरकत के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए आपको काला धागा लेना है, उसमें एक नींबू और 7 हरी मिर्च पिरोनी है। कील में मंगलवार या शनिवार को टांग देनी है। नींबू में कोई दाग नहीं होना चाहिए। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये नींबू मिर्ची पत्नी या बेटे के हाथों से ही बनवाएं। बाजार से लाया हुआ नींबू मिर्ची काम नहीं आएगा। इसके बाद आपको दुकान में कुबेर यंत्र विधि विधान से स्थापित करना है। श्री यंत्र भी विधि विधान से स्थापित करना है। ऐसा करने से आपकी दुकान में बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, जब भी रविवार को यानी कि संडे को दुकान जाएं, पान खाकर जाएं। अगर पान नहीं खाते तो एक पत्ता अपने साथ दुकान ले जाएं और शाम को मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी दुकान में बरकत रहेगी। दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार के दिन जब भी आप दुकान पर जाएं, गुड़ खाकर जाएं, धनिया चबाते हुए जाएं। ऐसा करने से भी आपकी दुकान में बरकत रहेगी, आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये थे वे कुछ वास्तु टिप्स, जोशी उपाय जिनकी मदद से आप अपनी दुकान में ग्राहकी को बढ़ा सकते हैं, अपनी दुकान में बरकत के लिए उपाय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर जरूर करना, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।